नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश व्यास। कंप्यूटर डिजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 95 में और डेली टिप्स के लेक्चर नंबर 5 में हम सीखेंगे, अगर मेरी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव गायब है तो दोस्तों उसे वापस कैसे लाते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आप यहाँ देख रहे हो मेरी सी ड्राइव हाजिर है, ई ड्राइव, उसके बाद एफ, जी सब ड्राइव है, लेकिन मेरी डी ड्राइव यहाँ से मिसिंग है। मैं अपनी डी ड्राइव को देख नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये डी ड्राइव जो वापस कैसे लाए, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे मैनेजमेंट कंसोल में जाना होगा। तो सबसे पहले मैं डिस्क पीसी पर राइट क्लिक करूंगा और वहां पे एक मैनेज दिखेगा। ये मैनेज पर क्लिक करने के बाद मुझे कंप्यूटर मैनेजमेंट का एक विंडो ओपन होगा। वहां पर मुझे डिस्क मैनेजमेंट में क्लिक करना है और मेरे सामने मेरी हार्ड डिस्क की डिस्क सारे डिस्क दिख पाऊंगा। और दूसरा रास्ता है, मैं सर्च भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं DISK मैनेजमेंट लिखूंगा तो यहाँ पे क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन ऐसा दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे ऐसे कंप्यूटर मैनेजमेंट का विंडो ओपन होकर मेरे सामने आ जाएगा। वहां पर मुझे डिस्क मैनेजमेंट में क्लिक करना है, तो डिस्क मैनेजमेंट का विंडो मेरे सामने ओपन हो जाएगा। और दोस्तों तीसरा रास्ता है, विंडोज प्लस आर की प्रेस करने पर एक रन बॉक्स ओपन होगा। ये जो रन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, वहां पे मुझे सिर्फ लिखना है DISK MGMT.MSC। ये लिखकर मुझे यहाँ पे मैं यहां से ओके करूंगा तो मेरे सामने ऐसे कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन होगा और डिस्क मैनेजमेंट ऐसे ओपन होकर मेरे सामने आ जाएगा। तो ये जो डिस्क मैनेजमेंट ओपन हुआ है, ये विंडो में हमें सिर्फ देखना है कि चलो मेरे पास कौन कौन से पार्टीशन है। तो सब पार्टीशन को एक बार चेक करो। सब पार्टीशन को पाछड़ एक ड्राइव लेटर होगा, जैसे कि यहाँ पे एसेट सी ड्राइव है, लेकिन एसेट डेटा उनके पीछे कोई ड्राइव लेटर नहीं है। उसके बाद ये एफ ड्राइव, उनके एफ ड्राइव लगा है, इसमें जी ड्राइव, यहाँ एच आई जे के सबके पीछे लेटर लगा हुआ है, लेकिन एसेट डेटा इसके पीछे कोई भी लेटर नहीं है। तो सबसे मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ। वहां पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहां पे एक ऑप्शन दिखता है ऐड, ऐड पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने आएगा असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर। यहाँ से मुझे ड्राइव लेटर सिलेक्ट करना है। देखो दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से ड्राइव लेटर दिखेंगे, जो ड्राइव लेटर यहाँ पे एक बार यूज हो चुके हैं वो ड्राइव लेटर में यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे डायरेक्ट मुझे ए बी सी यूज हो गया है तो सी नहीं दिखता है, उसके बाद डी। तो चलो मैं डी सिलेक्ट करता हूँ और ओके प्रेस करूंगा। जैसे डी ड्राइव और डी सिलेक्ट करके ओके प्रेस करूंगा और यहाँ पे मिनिमाइज करके देखता हूँ, देखो दोस्तों मेरी डी ड्राइव यहाँ मुझे दिख रही है। तो इस तरह से मैं अपनी डी ड्राइव वापस ले आया हूँ। तो दोस्तों आप भी अपनी ऐसी ड्राइव अगर खो गई है तो आप ऐसे अपनी ड्राइव को ला सकते हो। और जैसे ये डी ड्राइव है, डीवीडी राइटर है, डीवीडी राइटर को मुझे यहाँ से गायब करना हो तो फिर से वही प्रोसेस करूंगा। यहाँ से डीवीडी राइटर सिलेक्ट करूंगा, जैसे ई ड्राइव या डीवीडी राइटर है, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ करूंगा। यहाँ से रिमूव यस यस करने के बाद इनका लेटर गायब हो गया। तो देखो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी डीवीडी राइटर गायब हो गई है। तो इस तरफ से आप ड्राइव गायब भी कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, अपने वापस भी ला सकते हो। मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ योगेश व्यास फ्रॉम कंप्यूटर डीजी क्लास। गुड बाय।